नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सौरभ और अभी इस वक्त हम रांची के जगन्नाथपुर मंदिर पर हैं और सिटी सेंटर से यह 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर एक छोटा सा पहाड़ के ऊपर में है और वहां तक जाने के लिए यहां पे सीढ़ियां बनाई गई हैं, तो अभी हम सीढ़ियों के माध्यम से उस मंदिर पर जाने वाले हैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा आसपास का। झारखंड की राजधानी रांची का जगन्नाथपुर मंदिर पूरी की तरह ही रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है और रथ यात्रा के समय यहाँ 7 दिनों तक मेला लगता है। गाइस, अभी हम रुके हैं, थोड़ा बारिश हो रही है। तो इस मंदिर को नागवंशी राजा ठाकुर रेणिनाथ सहदेव ने रांची में धुरवा के पास कराया था। दरअसल हुआ क्या था, जो ठाकुर साहब थे रेणिनाथ सहदेव, वह अपने नौकर के साथ पूरी गए थे। तब उनके जो नौकर थे वह भक्त बन गया और कई दिनों तक उनकी उपासना की। तभी एक रात्रि वह भूख से व्याकुल हो उठा, मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान भूख मिटाइए। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने रूप बदल कर अपनी भोग वाली थाली में खाना खिलाकर उसे खाना खिलाया। फिर जो नौकर थे वह यह पूरी आपबीती अपने ठाकुर साहब, जो ठाकुर रेणिनाथ थे, उनको बताया। उसी रात भगवान ने ठाकुर को स्वप्न में कहा कि यहाँ से लौट कर मेरे विग्रह की स्थापना कर पूजा अर्चना करो। फिर पुरी से लौटने के बाद जो ठाकुर साहब थे रेणिनाथ जी, उन्होंने पुरी मंदिर की तर्ज पर रांची में मंदिर की स्थापना की और उस समय से आज तक यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। दोस्तों, मंदिर की स्थापना के साथ ही मानवीय मूल्यों की भी स्थापना कर समाज को जोड़ने के लिए हर वर्ग के लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उस टाइम से। जैसे कि उरांव परिवार को मंदिर की घंटी देने और तेल व भोग के लिए सामग्री देने की जिम्मेदारी, कुम्हार परिवार मिट्टी के बर्तन की व्यवस्था करते थे और आज भी करते हैं, मुंडा परिवार को झंडा फहराने की, रजवार और अहिर जाति के लोगों के लिए भगवान को मुख्य मंदिर से गर्भगृह तक ले जाने की, बड़ी परिवार को रंग रोगन की, लोहार परिवार रथ की मरम्मत करते हैं, इसी तरह सभी को जिम्मेदारी दी गई थी और वो आज भी वो जिम्मेदारी जो है उनको अच्छे से निभा रहे हैं। सारे लोग है ना भगवान जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे अगल बगल है ना, यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पे गाड़ी आती है ना, तो यहाँ से गाड़ी आती है और उधर से भी जो पैदल आते हैं उधर से भी सीढ़ी से चढ़ के आ सकते हैं और यहाँ से भी गाड़ी के माध्यम से आ सकते हैं। तो इससे क्या है कि मंदिर की चढ़ाई थोड़ा कम हो जाती है यहाँ पर। और अभी थोड़ी बारिश हो रही है गाइस, है ना, लोग छाता पकड़े हैं, मैं तो नहीं पकड़ा हूँ अभी। मंदिर के एक और ख़ासियत है दोस्तों, यहाँ पे ना हरी भरी पेड़ पौधे हैं जो कि काफ़ी अच्छा है और जैसे ही हम ऊपर चढ़ेंगे तो हमको बहुत दूर तक का नज़ारा भी हमको देखने को यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से सीढ़ी है मेन मंदिर में जाने के लिए और यहाँ पर सब जूता चप्पल उतारे हैं, हम भी उतार लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सिंह का बनाया गया है, यहाँ पे भी बगल में भी 2 सिंह हैं जो कि वेलकम कर रहे हैं, लोगों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं, है ना, तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं है ना, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत पुराना पुराना जो है दरवाज़ा लगा है। यहाँ पे शिवलिंग है, भगवान शंकर जी का मंदिर है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गेट है। और ये है मंदिर गाइस, जो कि पूरा पूरी के तर्ज बनाया गया है ना, ठाकुर साहब के द्वारा, रेणिनाथ के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बारिश में, है ना, और मैं थोड़ा थोड़ा भीग चुका हूँ। यहाँ पे गाइस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा ले सकूँ भगवान जी का जो है वीडियो, है ना, और आप दर्शन कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं ये कोरोना के समय रखा गया था इसको सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान देते हुए, तो अभी भी है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। सो गाइस, हमने दर्शन कर लिया है, अब हम मंदिर के बाहर भी जाएंगे। तो देखिए पुजारी जी बोल रहे थे, है ना, तो अब मंदिर के बाहर हम जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कलाकृति मंदिर की दीवार को और उसके गुंबद को किस तरह से बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं यहाँ से खूबसूरत नज़ारा भी आ रहा है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। और बहुत ही अच्छा मौसम है, बारिश हुई है हल्का सा, तो और यहाँ पे गाड़ी खड़ी है देखिए आप, और वहाँ सामने पूरा पानी भरा है, तालाब टाइप लग रहा है, पूरे हरे भरे हैं पेड़ पौधे हैं, मस्त बारिश हुई है तो काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम है यहाँ पे। और ये देखिए मंदिर का पूरा संरचना
पूरा पूरी के डिज़ाइन से पूरा इसको बनाया गया है, जो कि हूबहू पूरी के मंदिर की तरह है। और इसकी विशेषताएं भी जगन्नाथ पुरी मंदिर की तरह ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी प्यारा जगह है। और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने आप ज़रूर आइएगा अगर आप रांची आते हैं तो। देखिए गाइस, मैं पूरा जूम इन और जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से पूरा लोकेशन। काफ़ी प्यारा जगह में ये मंदिर है दोस्तों। देखिए, रांची पूरा जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो कि झारखंड की राजधानी है, और वहीं यह मंदिर है दोस्तों। आपको पता नहीं होगा शायद, झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जो आज से 2.1 बिलियन वर्ष पहले समुद्र से बाहर आया था, है ना, तैर कर। अब जैसे भी आया होगा, उतना तो नहीं है कि तैर कर आया होगा कि क्या आया होगा, लेकिन ऐसे मान्यता है। पहले जब पूरा पानी रहता था चारों तरफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और ये समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर है ये जो झारखंड राज्य है, वो दूसरे राज्यों की तुलना में, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, एमपी, एमएच, महाराष्ट्र, जो सारे राज्य हैं उनसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा जगह है ये। और यहाँ पे यज्ञशाला है, यहाँ पे यज्ञ होता है, और यहाँ पे भंडारे वंडारे के सामान रखे गए हैं, बर्तन वगैरह, है ना। और यहाँ पे कक्ष है, पुजारी का कक्ष है, और जो सेवादार है मंदिर के, उन लोगों का। बहुत अच्छी जगह है ये, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पानी गिरा है, थोड़ा ध्यान से चलते हैं, नहीं तो पैर फिसल जाएगा, पूरा टाइल है, है ना। तो यहाँ पे हम अपना चप्पल उतारे थे, स्लीपर, तो शू, तो उसको पहनते हैं। सो गाइस, यहाँ पे है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से नीचे जाता है, वहाँ से नीचे जाते हैं, सब दो तीन रास्ता बनाया गया है, है ना। भीड़ में जैसे कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता होगा, यहाँ पे हर तरफ से रास्ता है आने जाने के लिए। यहाँ पे देखिए, एक सीढ़ी इधर गया, एक सीढ़ी उधर गया है। अच्छा, वो अलग सीढ़ी है, वो व्यू पॉइंट के लिए है, वो व्यू पॉइंट के लिए है, है ना। तो लोग वहाँ व्यू पॉइंट को देखने के लिए जाते हैं, मतलब व्यू देखने के लिए जाते हैं। और ये पहाड़ है, देखिए गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं बारिश हुई है, तो मौसम अच्छा लग रहा है, और हरे भरे पूरा घास फूस पूरा जगे हुए हैं, है ना। और ये पहाड़ जो है काफ़ी प्यारा है। यहाँ से देखिए फिर से एक बार जगन्नाथपुर मंदिर को, दिखने में पूरा किला नुमा जैसा लगता है, और हूबहू सेम लग रहा है मेरे को, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से नज़ारा पूरा दिखाता हूँ मैं इस ओर से आपको। देखिए चारों तरफ पूरा भी पेड़ पौधे हैं, हरे भरे हैं, और पानी गिरा है हल्का से, और ज़बरदस्त लग रहा है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी प्यारा है माहौल, ऑसम, अमेजिंग, है ना। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, है ना। और अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी कर लीजिए। और चैनल पे अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कीजिए, मैं इसी तरह के वीडियो जो है लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। ये देखिए यहाँ पे एक और मंदिर है, है ना, यहाँ तक आता है जगन्नाथ का जो रथ यात्रा है वो, है ना। तो देखिए गाइस, यहाँ पे रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी को यहाँ तक लाया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, है ना। बाय बाय, लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच।